हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये 8th क्लास का एक चैप्टर है। ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुका है, सिर्फ एक स्टोरी रह गई है इसमें। वो किसकी स्टोरी है? एक भेड़ की स्टोरी है, दैट इज डॉली। उसका नाम है डॉली, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। ठीक है, इसके आगे एक वर्ड आपने नोटिस किया, द क्लोन। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज क्लोन। हम जानेंगे कि क्लोन क्या है और उसके बाद ही हम देखेंगे कि डॉली की स्टोरी क्या है। ठीक है, क्लोन क्या होता है? किसी भी चीज का क्लोन, जैसे आप मान लो आपको किसी की जेरोक्स कॉपी निकलवानी है, फोटोकॉपी करवाते हो ना, तो मान लो आपने कुछ लिखा और उसकी फोटोकॉपी आपको निकलवानी है, तो जो दूसरे पेज में फोटोकॉपी आती है वो एज इट इज पहले जैसे रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते। जो आपने लिख के फोटोकॉपी करवाई है उस फोटोकॉपी में एज इट इज वही आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से क्लोन का मतलब है किसी चीज की फोटोकॉपी एज इट इज। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्लोन को। क्लोन इज द एग्जैक्ट कॉपी, क्या? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर कोई सेल। किसी एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होना क्लोन कहलाता है। अब हम थोड़े थोड़े अपने पापा जैसे दिखते हैं, थोड़े थोड़े अपनी मम्मी जैसे दिखते हैं, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स हैं हमारे अंदर, तो क्या हम क्लोन हैं? नहीं, हम क्लोन नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मम्मी जैसा दिखें या फिर ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट पापा जैसा दिखें, हम दोनों का मिक्सचर है, है ना। तो क्लोन ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो किसी एक पेरेंट का एग्जैक्ट क्या होता है, फोटोकॉपी जैसा समझ लो आप, एग्जैक्ट वैसा का वैसा दिखने वाला। तो क्लोन इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका क्लोन क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एकदम एज इट इज दिखने वाला, जिसके अंदर जेनेटिक मेकअप, आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज जेनेटिक मेकअप, आप ये हायर क्लासेस में समझोगे। अभी आप इतना समझो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसका जो बेबी है वो एग्जैक्ट उसके जैसा दिखे, मतलब वो क्लोन है। और ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज ए सेक्सुअल एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने बात की है शीप की, शीप यानी भेड़। अब भेड़ तो एक एनिमल है और आप कहोगे इसमें तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ये, तो ये क्लोन कैसे बना सकती है? तो ये जो बनाई है डॉली, हमने आर्टिफिशियली बनाई है, मतलब लैब में बनाई गई है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप बन गई, हमने बनाई है, क्लोन हमने बनाया है। अगर नेचुरली होती तो मेल शीप एंड फीमेल शीप दोनों के कैरेक्टर इसमें होते। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टोरी क्या है। इतना आपको समझ में आ गया कि क्लोन क्या है? क्लोन का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इन द ईयर 1996 में एक शीप को क्लोन किया गया था। कौन सी कंट्री में? स्कॉटलैंड में। ठीक है, एक भेड़ बनाई गई थी, उसका नाम था डॉली। अब कैसे बनाई गई थी? ये दो भेड़ ली गई थी, एक का नाम था फिन डोरसेट शीप। ठीक है, ये एक शीप थी, ये दूसरी शीप थी, ब्लैक फेस ईव। ये एक शीप है, ये दूसरी शीप है, मतलब ये अलग अलग दो भेड़े हैं। ठीक है, इसका जो माउथ है ना, इसका जो फेस है ना, वो ब्लैक है। थोड़ी देर में मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाऊंगी। अभी आप इतना समझो कि एक शीप है और एक दूसरी शीप है जिसका फेस ब्लैक है। एक का फेस ब्लैक नहीं, वो पूरी व्हाइट है, दूसरी बाकी तो पूरी व्हाइट है, बट उसका जो फेस है वो ब्लैक है। इतना समझ में आ गया। अब इस वाली शीप से हमने एक सेल लिया, इसकी बॉडी से, मतलब ये एक शीप है और यहां इसकी मेमोरी ग्लैंड से, ये आपको याद रखने, कहां से लिया है? मेमोरी ग्लैंड से हमने एक सेल लिया है। ठीक है, और दूसरी वाली शीप से भी हमने एक सेल लिया है, लेकिन वो सेल कौन सा है? एग। यहां पे हमने क्या लिया है? एग। और यहां पे एक नॉर्मल मेमोरी ग्लैंड से एक नॉर्मल सेल लिया है और दूसरी जगह हमने एक एग लिया है। हम पढ़ चुके हैं ना स्पर्म एंड एग कैसे, कहां उनका फॉर्मेशन हुआ था, एग का फॉर्मेशन कहां हुआ था? ओवरी में। अब हमने क्या किया, इस एग के अंदर आपको पता है ना सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस सेल में से अगर मैंने न्यूक्लियस हटा दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ ये सेल बचेगा, इसके अंदर की चीज गायब है, हटा दिए हमने। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हमने यहां पे किया है कि एग वाला जो सेल था, एग में से हमने न्यूक्लियस हटा दिया। ठीक है, न्यूक्लियस हमने हटा दिया और जो दूसरी शीप से हमने मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया था, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस उठा के इसमें डाल दिया।
आपको समझ में आया? ये दो सेल थे, ये एग वाला सेल था जिस कौन सी शीट थी जिसका फेस ब्लैक था, ठीक है। ये दूसरी वाली शीट थी, ये मेमरी ग्लैंड से एक सेल हमने लिया है। हमने क्या किया, इसका न्यूक्लियस जो है ये हटा दिया, न्यूक्लियस नहीं है इसमें, और इसमें से हमने सिर्फ न्यूक्लियस निकाल दिया, मतलब कि ये बाकी का जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है बाकी पोर्शन हटा दिया, सिर्फ न्यूक्लियस हमने ले लिया और न्यूक्लियस क्या किया इसके अंदर हमने डाल दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल में डाल दिया, ये चीज हमने की। इतना समझ में आ गया? अब ये क्या था, एक एग था, एग के अंदर पूरा न्यूक्लियस आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये जायगोट बनेगा, और जायगोट के बाद में ये एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो बनेगा तो डेवलप करना स्टार्ट होगा, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने व्हाट इज एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो इसमें डेवलपमेंट होना शुरू होगा, लेकिन डेवलपमेंट कहां होगा। अब आर्टिफिशियली हमने ये वाली प्रोसेस तो कर दी, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा ना, जायगोट को, एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है इसको हमने इस जो ब्लैक फेस वाली जो ईव थी इसमें हमने पुट कर दिया, इस एम्ब्रियो को हमने किसमें डाल दिया, इसमें ये जो शीप थी इसमें डाल दिया, ठीक है, इसके यूट्रस में डाल दिया। अब जो बेबी है वो कहां डेवलप होगा, वो इस वाली शीप के अंदर डेवलप होगा और उसके बाद में वो जन्म लेगा। तो जब उसने जन्म लिया तो अब हमें पता लगाना है कि किसके जैसा दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये तो दो अलग अलग शीप थी और हमने दोनों शीप में से सेल लिया था, बट एक शीप का सिर्फ न्यूक्लियस यूज किया था और एक शीप का हमने बाकी का सेल यूज किया था, उसका न्यूक्लियस नहीं यूज किया था। तो ये कौन सी वाली शीप का बेबी है, ये ब्लैक फेस वाली शीप का बेबी है, बट वो दिखता कैसा है, वो एग्जैक्टली ये दूसरी वाली शीप जैसा दिखता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस तो हमने इस वाली शीप से लिया था। अब हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहानी क्या चल रही है भाई, कौन सा न्यूक्लियस कहां कहां से निकाला है ना, कौन से सेल में डाल दिया। अब आप एक चीज समझो, हमें ये पता है हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है ना, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अब समझ लो कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसे ही जो एग और स्पर्म होते हैं वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है ना, मेल एंड फीमेल बॉडी का पार्ट है, वो सेल है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है, बट उनका न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, उसमें हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल रहता है, मतलब आधा डीएनए रहता है। ये है एग, ये है स्पर्म, ठीक है, ये एग है और ये स्पर्म है, इन दोनों के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब आप ये समझो कि हाफ ऑफ न्यूक्लियस मतलब हाफ ऑफ डीएनए इनके अंदर, और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, हमने ये प्रोसेस पढ़ी है ना, जब इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है ना, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस था और ये इसका न्यूक्लियस था, ये स्पर्म का न्यूक्लियस था, ये एग का न्यूक्लियस था, और फ्यूजन के बाद में ये जायगोट बन गया था, ठीक है, और ये दोनों का न्यूक्लियस मिलकर यहां आ गया है। ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। अब आपको समझना ये है कि आधा जो डीएनए है वो एग से मिलता है, आधा डीएनए हमें स्पर्म से मिलता है। कहने का मतलब है आधा डीएनए हमें मदर से मिला है, आधा डीएनए हमें फादर से मिला है, इसी वजह से हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। किसी की आंखें हो सकती मम्मी जैसे दिखे, किसी का नाक पापा जैसे दिखे, है ना, किसी के जो बाल हैं वो पापा जैसे दिखे, है ना, कलर बालों का कलर, तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें किस वजह से मिले हैं, ये हमें इस न्यूक्लियस की वजह से मिले। क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और वो डीएनए ही डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अंदर इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे अंदर मदर एंड फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जनरली प्रोसेस तो ये होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की। यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने दो सेल लिए हैं। अब एक चीज और आप ध्यान से समझो कि सिर्फ एग एंड स्पर्म में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए हाफ होता है, पूरा नहीं होता है, हाफ होता है, लेकिन हमारी बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं, मतलब मेरे हेयर के सेल हो गए, बाकी स्किन के सेल हैं, जितने भी जो भी ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं वहां पे जितने भी सेल हैं उन सब में कंप्लीट डीएनए होता है,
ठीक है। आप ऐसा समझो कि हमारी बॉडी में ऐसा डीएनए होता है, हर सेल में, हर सेल में ये डीएनए होता है दो सेट में, लेकिन एग में एंड स्पर्म में ये सिर्फ एक सेट में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। जब ये दोनों मिलते हैं तब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो जब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है, मतलब हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एक एन और एक एम, ये कौन लेके आ रहा है, मदर के एग से और एक फादर के स्पर्म से आ रहा है, तो मिलके ये क्या बन गया, मिलके ये 2n बन गया, कह सकती हूं मैं इसको n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और इसके बाद में जब ये 2n हो गया यहां पे, तो जाइगोट बनता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप करेगा और हम सब बनते हैं, है ना, बेबीज जन्म लेते हैं। तो बेबीज के अंदर क्या हुआ, 2n हुआ, एक मदर से आया एक फादर से आया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, ये वाली जो शीट थी इसका मेमोरी ग्लैंड्स हमने सेल लिया है, तो ये वाला जो सेल है इसके अंदर तो एन प्लस एन कंडीशन होगी, है ना, क्योंकि हमने, मैंने अभी बताया है पूरी बॉडी में 2n यानी n प्लस एन कंडीशन होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो 2n होता है, सिर्फ एग या स्पर्म इसमें सिर्फ n कंडीशन होती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल आधा हो गया, डीएनए हाफ हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो सेल था ये क्या है, एग है, और एग में क्या कंडीशन होती है, एग में सिर्फ n वाली कंडीशन होती है, मतलब आधा ही जेनेटिक मटेरियल है इसके पास में, और जब दो आधे आधे जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं तो वो पूरा 2n बनाते हैं, और उसके बाद में जायगोट के बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में फीटस, और उसके बाद में वो बेबी जन्म लेता है। कहने का मतलब ये है पूरा बेबी बनने के लिए क्या चाहिए, 2n चाहिए, n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब यहां पर हमने ये वाला सेल लिया, ये तो ऑलरेडी 2n है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में तो ऑलरेडी 2n है, और यहां पे क्या कंडीशन है, ये एग है तो ये तो सिर्फ n है, और यहां पे हमने क्या किया है कि इसका न्यूक्लियस हटा दिया, मतलब n हमने हटा दिया है, ये लेबोरेटरी में किया जा रहा है ये काम, ठीक है, लैब में किया जा रहा है, ये नेचुरली नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं इसको, साइंटिस्ट ने किया है इसको, ठीक है, इस एग में से न्यूक्लियस हटा दिया, और इस वाले सेल का कैसा सेल था, ये 2n वाला सेल यहां पे डाल दिया, मतलब क्या है ये 2n हो गया, ये पहले ये सिर्फ n था, अब न्यूक्लियस किसका आ गया, ये वाली शीट से आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल किसका है, ये वाली शीट का है, ठीक है, ये जो शीट थी इसका जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहा है। तो बेबी जो शीप आएगी डॉली वो कैसे दिखेगी, वो अपनी इस मदर जैसी दिखेगी, ठीक है। तो जो शीप बोर्न हुई थी डॉली, उसका ब्लैक फेस वाली मॉम थी उसकी, लेकिन वो दिखती कैसी थी, अपनी इस वाली मदर जैसी दिखती थी, ठीक है, जबकि इसके यूट्रस में हमने ये एम्ब्रियो डाला था, जन्म इस वाली शीप ने दिया था जिसका फेस ब्लैक था, लेकिन जो बेबी था वो कैसा दिखा, वो एकदम ऐसा दिखा, क्यों, क्योंकि यहां पे तो डीएनए का मिक्सचर हुआ ही नहीं, यहां पे तो हमने न्यूक्लियस निकाल दिया था, सिर्फ किसका न्यूक्लियस लिया है, सिर्फ एक मदर का न्यूक्लियस लिया है, तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो गई अपनी एक मदर जैसी, ठीक है, समझ में आया। अब स्क्रीन पे देखो, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रही होगी ना, उसमें क्या है कि दो शीप दिख रही है आपको, एक शीप है जिसका ब्लैक फेस है और एक पूरी व्हाइट शीप है, उसमें से हमने क्या लिया है, एग लिया है, जिसका फेस ब्लैक है उस शीप से हमने एग लिया है और उस एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया है। दूसरी जो शीप है उसका भी हमने मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया है और उसका न्यूक्लियस निकाल के एग वाले जो ब्लैक फेस वाली शीप थी एग उसमें डाल दिया है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो को हमने किसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया है, ब्लैक फेस वाली शीप के, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ईव, ब्लैक फेस ईव, उस वाली मदर की यूट्रस में डाल दिया। अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, बाद में जब शीप बनी, डॉली बनी, पैदा हुई वो, तो वो कैसे दिख रही है, अब इस वाली मदर ने, ब्लैक फेस वाली मदर ने जन्म दिया तो ऐसी दिखनी चाहिए ना, पर नहीं, वो ऐसी दिखती है, मतलब पूरा व्हाइट फेस वाली, पूरी व्हाइट शीप दिखती है। तो रीजन क्या है उसका, क्योंकि हमने न्यूक्लियस किसका यूज किया है, ये वाली शीप का यूज किया है, ठीक है। तो वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बन गई, जिसका भी जो जिस मदर से न्यूक्लियस मिला है वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी बन गई। तो आपको, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि क्या है डॉली की स्टोरी, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।